भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म राजा रिलीज हो चुकी है और आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर किस तरह की ओपनिंग ली, फिल्म फ्लॉप है या हिट है, इसके जानने के लिए आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। उससे पहले लेकिन आपसे एक गुजारिश है, गुजारिश ये कि हमने बॉलीवुड रिलेटेड एक चैनल बनाया है जिस चैनल का नाम है स्पेशल बॉलीवुड। सो आप लोगों से अपील है कि आपने जिस तरह से स्पेशल भोजपुरी को इतना प्यार दिया है उसी तरह से हमारे इस नए चैनल को भी अपना प्यार दीजिए ताकि आपको बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट गॉसिप मिल सके। और स्पेशल बॉलीवुड का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जहां जाकर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी स्टोरी पर आते हैं और आपको बताते हैं कि फिल्म राजा ने बिहार में कितनी कमाई की है। तो फिल्म राजा ने छपरा के शिल्पी थिएटर में यानी कि बिहार के छपरा के शिल्पी थिएटर में 2,00,000 रुपए की कमाई की है और वहीं आरा के मोहन थिएटर में 2,50,000 यानी कि अकेले इस फिल्म ने सिर्फ 2 टॉकीज के कलेक्शन को देखा जाए यानी सिर्फ 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखा जाए तो 4,50,000 रुपए कमा चुकी है। और आप बात करते हैं झारखंड की, तो आपको पहले बता दें कि यह फिल्म बिहार, झारखंड और नेपाल में ही रिलीज हुई है, अभी मुंबई, गुजरात और कोलकाता में रिलीज होना बाकी है। तो चलिए झारखंड की बात करते हैं। जी हाँ, झारखंड में इस फिल्म ने 2,00,000 का बिजनेस किया है और पवन की इस फिल्म का काफी दिनों से उनके फैंस को इंतजार था। अब बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के पुष्पी टॉकीज में इस फिल्म ने 1,20,000 का बिजनेस किया है। जी हाँ, तो इस फिल्म ने एक दिन में 6,70,000 रुपए का बिजनेस नेपाल, बिहार और झारखंड के हिसाब से किया है और अभी यह फिल्म मुंबई, गुजरात और कोलकाता में रिलीज होना बाकी है। तो आप ये समझ सकते हैं अगर इसी अंदाज में इस फिल्म ने शनिवार और रविवार को भी बिजनेस किया तो फिल्म को आगे हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी हम आपको बता दें कि होली तक फिल्म राजा को टक्कर देने के लिए कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि होली तक यह फिल्म सेफली थिएटर में चल सकती है। और अगर इसी हिसाब से रहा तो पवन सिंह की यह पहली इस साल की रिलीज सुपर डुपर हिट साबित होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।